वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम एक 2015 में रिलीज इटालियन मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दे कॉल मी जिग। इस मूवी में एक आदमी जिसका नाम एंजो है वो गलती से न्यूक्लियर वाटर पी लेता है और उसे सुपरनेचुरल पावर मिलती है। फिर वो इसका यूज करके क्या क्या करता है ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बाजू वाले बेल आइकन पे क्लिक करना एंड ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। हम रोम के बेला मोनिका शहर में एंजो से मिलते हैं। एंजो पेशे से एक चोर है। आज उसके पीछे पुलिस लगी थी क्योंकि उसने एक एक्सपेंसिव वॉच चुराया था। वो एक एब्डामिन क्रेन में जाकर छुप गया। वो क्रेन एक टाइबर नाम के रिवर के पास थी लेकिन पुलिस ने देख लिया तो उसने उस रिवर में छलांग लगाई। पुलिस के जाने के बाद एंजो ऊपर आने के लिए पानी के नीचे रखे हुए बैरल पे चढ़ गया लेकिन वो बैरल उसके वजन से ब्रेक हो गए। एंजो की तो आज किस्मत ही खराब थी। उन बैरल्स में रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है और अब वही रेडियो एक्टिव पानी एंजो के शरीर में चला गया। वो किसी तरह मैनेज करते हुए उस पानी से बाहर आ गया। उसे अंदाजा में नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे से बचा है। बस में वो कंटिन्यूसली खांस रहा था और खांसने पर उसके मुंह से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। वो पूरी रात खांस रहा था। उसे वही ब्लैक लिक्विड की उल्टी होती है लेकिन सुबह उठने पर वो बिल्कुल ठीक हो गया था जैसे कुछ जादू हुआ हो। उसने अपने सुबह के काम किए और फिर उसके नेबर और गैंग मेंबर सर्जियो से मिला। ये सर्जियो एक फैबियो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। ये गैंगस्टर फैबियो से ज्यादा जिप्सी नाम से फेमस था। फैबियो अपने गैंग के साथ मूल ब्रदर्स से ड्रग चुराने के बारे में डिस्कस कर रहा था कि तभी उसके एक गैंग मेंबर ने फैबियो को गलती से गलत कलर का फोन दे दिया। बस इतनी सी बात पे फैबियो ने उस आदमी को इतना मारा कि वो मर गया। दूसरी ओर एंजो वो वॉच सर्जियो को सेल करता है। वॉच के बदले सर्जियो उसे 100 यूरोस देता है। पैसे लेकर एंजो वहाँ से जाने लगा कि तभी सर्जियो ने उसे रोक लिया। उसके पास एंजो के लिए कुछ और प्लान था। वो चाहता है कि एंजो आज उसके साथ ड्रग रिट्रीव करने आए। ये काम रिस्की था लेकिन पैसों के बदले में वो करने को राजी हुआ। वो दोनों सर्जियो के घर जाते हैं उनके डील के लिए जरूरी सामान लेने। तो वह एंजो सर्जियो की डॉटर अलिशा से मिलता है। उसका बिहेवियर एंजो को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने छोटे बच्चों जैसे ड्राइंग करके पूरे घर के वॉल पे स्टिक करके रखा था। वो तो एंजो को स्टील जिग एनीमे के बारे में बताती है कि एक दिन कैरेक्टर जी का के उसे बचाएगा। कार में सर्जियो एंजो से माफी मांगते हुए कहता है कि अलिशा एक मानसिक रूप से साउंड नहीं है और वो स्टील जिग के कैरेक्टर से ऑब्सेस्ड है। अलिशा पहले से ही एक स्पेशल चाइल्ड थी लेकिन जब उसके मदर की डेथ हुई तो उसने रियलिटी से खुद को दूर कर लिया। फिर वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर उन म्यूल ब्रदर्स को उठाकर अपने कार के एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाते हैं। उनका काम सिर्फ इतना था कि उन्हें ड्रग्स के पैकेट्स उन दो भाइयों के बॉडी से निकालना था। उनमें से एक की पैकेट अंदर ब्लास्ट होने की वजह से मौत हो जाती है तो दूसरा बंदा सर्जियो को उसे पहले हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कहता है। सर्जियो ने कहा कि उसे सिर्फ वो डेड बॉडी को कट करके ड्रग्स बाहर निकालना है। तभी वो बंदा सर्जियो के हाथ से गन छीन कर सर्जियो को शूट करता है। सर्जियो उसी हालत में भी उस बंदे पे हमला करता है लेकिन वो बंदा मरने से पहले एंजो के ऊपर फायर कर देता है। एंजो 10 फ्लोर से नीचे डायरेक्टली कॉन्क्रीट के रोड पे गिर गया। लॉजिकली वो जिंदा नहीं बचना चाहिए था लेकिन यहाँ तो उसे जरा भी चोट नहीं आई थी, बस उसे पेन हो रहा था। अभी अभी जो उसके साथ हुआ था वो उसके समझ के बाहर था। वो वैसे ही उठकर वहाँ से भाग गया। दूसरी ओर क्लब में फैबियो नुंजियालो कॉसिमो जो एक टेररिस्ट और करोमा क्लैन के लीडर है, ये एक बड़ा ड्रग डीलर का ग्रुप है। एक्चुअली फैबियो को सर्जियो जो ड्रग्स लेके आने वाला था वो नुंजिया को देना था लेकिन इस मेस के वजह से फैबियो को आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो उसे झूठ बोल देता है कि डील अच्छी रही। अगर नुंजिया को सच का पता चल गया तो वो फैबियो को जान से मार डालेगी। एंजो घर जा रहा था तो उसे अलिशा ने रोक लिया और अपने फादर के बारे में पूछने लगी। एंजो उसे इग्नोर करता है लेकिन अलिशा मानती नहीं। वो उसके डोर को बैंग करती है कि तभी एंजो आके डोर पे एक पंच मार कर डोर पे एक होल बना देता है। वो अपने रूम के फर्नीचर भी विदाउट एनी हैसल मूव कर पा रहा था। उस रात वो पूरी एटीएम मशीन ही चुराता है। चुराए हुए पैसे से वो खाने का सामान खरीदता है। उसे मिले इस सुपर नेचुरल पावर की वजह से उसके घाव जल्दी ही ठीक हो रहे थे। उसे जो गोली लगी थी वो घाव भी जल्दी ही भर गया था। यह सर्जियो के घर
फैबियो और उसकी गैंग आती है सर्जियो के बारे में पूछताछ करने के लिए। उन्हें लगता है कि सर्जियो सारे ड्रग्स के साथ भाग गया है, तो वो अलिशिया से सर्जियो के बारे में पूछते हैं, लेकिन अलिशिया तो खुद अपने फादर को ढूंढ रही थी। फैबियो उसे चाकू दिखाकर फिर एक बार पूछता है कि तभी एंजो आके फैबियो के गैंग पे हमला करके अपने सुपरनेचुरल पावर से सबको आसानी से मारने लगता है। एंजो से न जीत पाने पर उसकी गैंग वहाँ से जाने लगती है कि तभी फैबियो एंजो के टो को ही कट कर देता है। उसके बाद अलिशिया और एंजो घर जाते हैं। घर पर वो अपने टो को एक टेप से बांध देता है। अलिशिया एंजो को उसका फेवरेट कैरेक्टर स्टील जीक कहती है, क्योंकि आज एंजो ने उसकी जान बचाई थी। एंजो को उसकी मेंटल हालत पता थी, तो वो उसे करेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजो की टो नहीं जुड़ पाई थी। वो अलिशिया से उसके कोई और रिलेटिव के बारे में पूछता है, तो उस पर अलिशिया कहती है कि उसके फादर को छोड़ के उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो वो उसे रेसिडेंशियल केयर होम में लेके गया। यहाँ उसे पहले भी रहना पड़ा था जब उसके फादर जेल में होते थे। इस बात पे अलिशिया को बुरा लगता है, लेकिन एंजो झूठ कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। दूसरी ओर एंजो का एटीएम मशीन चुराते टाइम का फुटेज वायरल हो जाता है। वो वीडियो देखकर फैबियो को पता चलता है कि ये वही है जिसे हम सर्जियो के घर पे मिले थे। अभी तक उन्हें ड्रग्स नहीं मिला था, तो फैबियो का राइट हैंड एंटियो उसे लोन दे के न्यूंजिया के पैसे लौटाने का आइडिया देता है, लेकिन फैबियो को ये आइडिया इतना अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है कि क्यों ना हम आर्मर ट्रक लूटे जो हम इस डील के बाद करने वाले थे। एंजो को सर्जियो के घर पे कुछ पेपर्स मिलते हैं, उनमें उसी आर्मर ट्रक को रॉब करने का प्लान था। दूसरे दिन फैबियो और उसके बंदे गन के साथ एक ब्रिज पे छुपते हैं, लेकिन उनसे पहले एंजो ट्रक को रोक कर सब कुछ चुरा लेता है। फैबियो कई बार एंजो पे फायर करता है, लेकिन एंजो वहाँ से बच के निकल गया। घर जाने पर कोई उसके डोर पे नॉक करता है। चेक करने पर बाहर पुलिस आई थी। वो अलिशिया को लेके आए थे क्योंकि वो बाहर ऐसे ही घूम रही थी। एंजो पुलिस को उसके घर तक लाने के लिए अलिशिया पे चिल्लाता है, पर वो इनोसेंटली कहती है कि वो उससे मिलने नहीं आया। रात में दोनों एक कार्टून मूवी देखते हैं। मूवी देखते हुए एंजो अलिशिया के पास जाने की कोशिश करता है। अलिशिया डर गई थी, तो वो उसे रोकने के लिए कहती है। एंजो भी उसे कंसोल करता है कि तभी अलिशिया अपने पास्ट में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था ये रिवील करती है। वो उसे उसकी पावर को यूज करके उसके फादर को ढूंढने को कहती है। नेक्स्ट डे एंजो उसे एक बंद एम्यूजमेंट पार्क में लेके गया और अपने पावर से वहाँ के फेरी व्हील को स्टार्ट करके अलिशिया को उसे राइड करने को कहा। दूसरी ओर फैबियो और एंटोनियो में लोन को लेकर बहस होती है। इस बार भी फैबियो लोन लेने से मना कर देता है। एंटोनियो नहीं सुन रहा था, तो फैबियो ने अपने गैंग मेंबर को उस पर अटैक करने को कहा। इस अटैक में एंटोनियो की मौत हो गई। यहाँ अलिशिया और एंजो शॉपिंग करने के लिए एक मॉल जाते हैं। वहाँ एंजो अलिशिया के लिए एक प्रिंसेस ड्रेस खरीद कर देता है जो उसे हमेशा से चाहिए था। उसके बाद वो अलिशिया को उसके फादर के बारे में सच बताता है। अलिशिया अपसेट होती है और एंजो को ब्लेम करती है कि उसने उसके फादर को क्यों मरने दिया। तभी एंजो का आर्मर ट्रक को लूटते हुए का वीडियो वायरल होता है। अब वो एक फेमस क्रिमिनल बन गया था। उसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख फैबियो को जलन होती है और वो डिसाइड करता है कि वो भी एंजो जैसे सुपर पावर अडॉप्ट करेगा। अलिशिया एंजो से दूर जाने के लिए एक ट्रैम में चढ़ती है, तो एंजो भी अपने पावर से उस ट्रैम को रोकता है। वो अंदर जाके उससे माफी मांगता है। अलिशिया भी उसे माफ करती है और नेक्स्ट टाइम उसे उसका मास्क पहनने के लिए कहती है। वो रियलाइज करता है कि सब लोग उसे शूट कर रहे हैं, तो वो अलिशिया को लेकर वहाँ से निकल गया। फैबियो के पास और कोई वे आउट न होने पर वो उसके डीलर फ्रेंड से लोन के लिए पूछता है कि तभी वह नुंजिया और उसके लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। उनके बीच फायरिंग होती है और लास्ट में नुंजिया और फैबियो ही जिंदा बच गए थे। फैबियो उसके ऑफिस आता है कि तभी वहाँ उसके गैंग मेंबर्स की लाशें पड़ी थी। तभी टीवी पे फैबियो को एंजो दिखाई देता है जहाँ वो ट्रैम को रोकने की कोशिश कर रहा था। फैबियो डिसाइड करता है कि वो एंजो से उसके सीक्रेट के बारे में पता करेगा। एंजो और अलिशिया दूसरे शहर जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि पुलिस भी अभी जान गई थी कि वो कैसा दिखता है। वो दोनों एक रात के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहाँ एंजो अलिशिया को अपने पास के बारे में बताता है। तभी वह फैबियो आता है और एंजो पर ट्रैंक्विलाइजर गन से हिट करता है। वो उसे डक टेप से बांध देता है और जब एंजो होश में आता है तो फैबियो उसे अलिशिया को लेकर धमकाता है। वो उसे उसका सीक्रेट रिवील करने को कहता है। एंजो फैबियो को उस रिवर के पास ले जाके उसमें जंप करने को कहा, लेकिन फैबियो को उस पर शक होता है।
उसे लगा कि मेरे जाने के बाद कहीं मैं डूब गया तो एंजो फ्री हो जाएगा। वह तभी नुंजिया और उसके लोगा के फायरिंग करने लगे और इस फायरिंग में फैबियो और अलिशिया को गोली लगती है। के तभी पूरी तरह से रिवेंज लेने के लिए नुंजिया ने फैबियो को जिंदा जलाया और उसे वही रिवर में फेंक दिया। यह अलिशिया ने भी मरने से पहले एंजो को लोगों की मदद करने को कहकर वही दम तोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फैबियो को उसी रिवर से बाहर आता देखते हैं, मतलब उन सब्सटेंस का असर उस पर भी हुआ और अभी उसके पास भी एंजो जैसी सुपर पावर होगी। फैबियो वहाँ से सीधा नुंजिया के घर जाता है और वहाँ वो एक एक करके सबको मारने लगा। वो मारते हुए खुद का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है ताकि वो भी एंजो जैसे फेमस हो सके। नुंजिया के घर पे उसे बहुत सारे एक्सप्लोजिव मिलते हैं, मतलब नुंजिया पूरे सिटी को उड़ाने के प्लानिंग में थी। दूसरी ओर हम एंजो को देखते है, वो बुरी तरह से टूट गया था। वो रास्ते पर अलिशा को याद करते हुए चल रहा था कि तभी एक कार का एक्सीडेंट होता है। उस कार में माँ और बेटी थी। एंजो ने अपने पावर का यूज करके ब्लास्ट होने से पहले उस छोटी बच्ची को बचा लिया। उस बच्ची की माँ ने एंजो को हक किया, तब उसे अलिशा की वो कही हुई बातें याद आई। एंजो को टीवी पे फैबियो दिखता है, वो स्टाडियो ओलंपिको को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था बिना कोई रीजन की वो ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो अभी ऐसा कर सकता था। एंजो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ जाने के लिए निकलता है। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा था। एंजो फैबियो को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर उसे पार्किंग लॉट में वो दिख गया। उसके पास रिमोट था। उन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। एंजो को फाइनली वो एक्सप्लोजिव एक एम्बुलेंस में मिल गया तो वो उसे उठाकर म्यूजिक का आर्माडो ब्रिज जो कि टाइबर रिवर पे है उसके तरफ भागता है। फैबियो ने भी उसे देख लिया तो वो एंजो को एक्सप्लोजिव रिवर में फेंकने से रोक लेता है। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे और यहाँ बम एक्सप्लोड होने में सिर्फ एक ही मिनट बचा था। एटलीस्ट वो बम हम फैबियो के हाथों में देखते हैं। तभी एंजो उसे लेकर बम के साथ ब्रिज से जंप कर देता है। बम ब्लास्ट होता है और फैबियो का सर ब्रिज पे आके गिरता है। सब अज्यूम करते हैं कि एंजो भी इस ब्लास्ट में मर गया होगा। मीडिया के तरफ से उसे हीरो डिक्लेयर किया गया। लास्ट सीन में हम एंजो को एक ऊंची जगह से पूरे रूम को देखते हुए देखते हैं। अभी उसने वो जिग मास्क पहना था जो अलिशिया ने उसके लिए बहुत पहले ही बनाया था। पावर्स तो दोनों को मिली, लेकिन एक ने ह्यूमैनिटी के खिलाफ तो दूसरे ने ह्यूमैनिटी को बचाने में की। एंजो भले ही चोर था लेकिन उसने उसे मिली हुई पावर्स की वैल्यू की और अभी वो खुद एक रियल जिग बन गया। ये मूवी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।